शुरू किया, उसमें सबसे पहले हमने शुरू किया था कि जब हम कला विषय को शुरू करते हैं तो बिंदु बिंदु किया, बिंदु को पॉइंट कहते हैं। उसके बाद थी हमारे पास रेखा, रेखाखंड और उसके बाद किरण, रेखा किरण जिसे कहते हैं। ये किया, जैसे हमारे पास रेखा में दो प्रकार की रेखाएं होती है, समांतर रेखा और असमांतर रेखा। समांतर रेखा कौन सी होती है? ऐसी रेखाएं जो समान दूरी पर, चाहे वो कितनी लंबी चली जाएं, उनकी दूरी न घटती और न बढ़ती है, तो उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और उनकी ऊंचाई भी, यानी जितनी ऊंचाई के साथ उन रेखाओं को खींचा जाए, उनकी दूरी आपस में कभी नहीं घटेगी या वो रेखाएं आपस में टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, और चाहे कितनी लंबी चली जाएं, उनकी दूरी समान रहेगी, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। उसके बाद असमांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? ऐसी रेखाएं जो किसी बिंदु कहीं पर जाकर वो दो रेखाएं आपस में मिल जाती है, लेकिन एक ओर से वो रेखाएं मिलती नहीं, यानी एक ओर वो रेखाएं कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, लेकिन दूसरी ओर वो रेखाएं आपस में उनकी दूरी बढ़ती चल जाएगी, वो मिलेगी नहीं। तो ये हमारी असमांतर रेखाएं थी। उसके बाद कल बच्चों हमने किए थे कोण, कोण किए थे। पहला हम करते हैं न्यून कोण। न्यून कोण हमने बताया था, न्यून कोण कौन सा होता है? जो कोण 90 अंश के कोण से कम हो, यानी एक सम कोण से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यानी यदि हम यहाँ पर ऐसे करें, ये हमारा 90 अंश का कोण होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कोण जो हमारा पूरा कोण जो बन गया है, ये 90 अंश से कम का कोण है, इसलिए ये न्यून कोण। ये है समकोण। समकोण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? समकोण ऐसा कोण जो 90 अंश का बने, 90 डिग्री का कोण बने, उसे हम समकोण कहते हैं। ये हमारा 90 अंश का कोण है, इसलिए समकोण है। उसके बाद है अधिकोण। अधिकोण कौन सा होता है? ऐसे कोण जो 90 अंश के कोण से अधिक हो, यानी यदि हम इसको बनाने का प्रयास करें तो ये हमारा क्या होगा, पूरा जब ये कंप्लीट हो जाता है, ये 90 अंश से अधिक चला जाता है, 90 अंश से अधिक बन जाता है, इसलिए ये अधिक कोण है। उसके बाद है सरल कोण या बीजु कोण। सरल कोण या बीजु कोण कहते हैं जो 180 अंश का कोण हो। 180 अंश के कोण को हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। उसके बाद है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण कौन से होते हैं? ऐसे कोण जो 180 अंश से ज्यादा हो। 180 अंश से ज्यादा के कोण को हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, पहले देखना बिंदु क्या होता है, हमने कहा रेखा क्या होती है, उसके बाद रेखाखंड, किरण, उसके बाद आज हम शुरू किया कि समांतर रेखाएं कौन सी, असमांतर रेखाएं कौन सी, उसके बाद कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, सरल कोण और पुनर्युक्त कोण। तो प्यारे बच्चों आज हम आपने इनके नाम याद करने हैं और ऐसे उनकी परिभाषा याद करनी है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिकोण किसे कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण कौन से हैं या पुनर्युक्त कौन से हैं। तो आप इनकी परिभाषा याद करेंगे और कल या आने वाले समय में हम इनको कैसे बनाया जाता है, हम प्रकार और स्केल पेंसिल के द्वारा इनके द्वारा इनको बनाएंगे। धन्यवाद।